और अब बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां अनिल राजभर मंत्री श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कानपुर देहात का भ्रमण किया गया। उन्होंने भ्रमण से पूर्व निरीक्षण भवन कानपुर देहात में वृक्षारोपण किया और पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के उपरांत उन्होंने तहसील भोगनीपुर के बाढ़ प्रभावित गांव डिडोलिया बांगर का दौरा किया एवं प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों व ग्रामवासियों हेतु की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा इस बात से बेहद संतुष्ट दिखे कि वहां पर प्रशासन ने पूर्ण मुस्तैदी के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव राहत व पुनर्वास का कार्य किया है। इस मौके पर उन्होंने जनता को बाढ़ सामग्री वितरण किया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ के स्थायी समाधान के क्रम में मजबूती से कदम आगे बढ़ाया है। हम जो मदद कर रहे हैं बाढ़ राहत सामग्री व राशन से पृथक भी माताओं बहनों को किट वितरित की जा रही है। इससे पृथक शासन का यह भी निर्णय है कि बाढ़ के कारण यदि किसी का घर गिरता है तो सरकार उनका घर भी बनवाएंगी। यदि किसानों की फसल बर्बाद होती है तो फसल मुआवजा भी दिया जाएगा। इस प्रकार सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ी है। इससे पृथक मंत्री द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुखराया का भी औचक निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या का जायजा लिया, जहां बताया गया कि औसतन 500 से ज्यादा मरीज प्रतिदिन दिखाने आते हैं, जिस पर उन्होंने ओपीडी के अनुसार अस्पताल को छोटा बताया एवं उसे 100 शैया तक उच्चीकृत करने हेतु पत्र भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं उप मुख्यमंत्री वार्ता कर उच्चीकृत कराने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान सहित आयुक्त कानपुर नगर कानपुर डॉक्टर राजशेखर, जिलाधिकारी नेहा जैन, पुलिस अधीक्षक सुनीति, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे आदि अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण व ग्रामवासी उपस्थित रहे। अच्छा आप बताइए।